सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिसर्च में ऐसे कौन से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार आए हैं। और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि अब क्वेश्चन रिपीट होने बंद हो गए, अब सिलेबस चेंज हो गया, तो उन सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक क्वेश्चन रिपीट हुए रिसर्च के अंदर। एनटीयू यूजीसी नेट यानी निमीजी नेट ऐप, ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए, और काफी दोस्त मेरे को ये कहते हैं कि अब रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। तो वो सभी दोस्त आज इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। आज सभी को आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए, ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 49, ये देखिए, द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट अप्लीकेशन, यानी कि सर्च कहते हैं, ये देखिए दोस्तों 49 यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। और इस पे हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे कैसे रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया जून 2014 के अंदर, ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे एक्शन रिसर्च। ये देखिए यहाँ भी इन्होंने इमीडिएट अप्लीकेशन के बारे में पूछा हुआ है, एक्शन रिसर्च यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखते दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ पे रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये हमारा फिर आया है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए अगस्त 2016 के अंदर यहाँ पे ये इसके अंदर पूछा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर इन्होंने यहाँ पे पूछा। ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों जो मैचिंग करना होता है। ये देखिए, ये रहा एक्शन रिसर्च, ठीक है, यानी कि अभी तक हमने 3 बार इसको देख लिया और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी इन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा, और यहाँ पे देखिए आंसर 3 यानी कि एक्शन रिसर्च। और मज़े की बात है दोस्तों, इसी के बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्होंने एक्शन रिसर्च का दिया हुआ है। ये देखिए, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया है, और उसके बाद में आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे इन्होंने फिर से एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लिया। यहाँ पे ये देखिए आंसर नंबर 3, एक्शन रिसर्च यहाँ पे पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए आगे फिर ये रिपीट हुआ है, ये देखिए जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इन्होंने एक्शन रिसर्च ये पूछ लिया। और ये फिर है दोस्तों वही है कि जो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है उसके अंदर इन्होंने दोबारा फिर पूछ लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारा जुलाई 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए इन्होंने फिर से इसके अंदर जो स्टेप है वो पूछ ली, यहाँ पे एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछ लिए। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन रिसर्च के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 20 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे इन्होंने फिर से एक्शन रिसर्च के जो स्टेप है, साइकिल है, उसके बारे में पूछ लिया। और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हम एक बार देख लेते हैं, प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, और उसके बाद में और आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 21 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने यहाँ पे पूछा, और इसका आंसर भी कहाँ यहाँ पे क्या है, एक्शन रिसर्च ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद में हम और देखते दोस्तों, और ये देखिए
यहाँ पे आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 25 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ एक्शन रिसर्च, फिर इन्होंने पूछ लिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन रिसर्च कितना 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 रिपीट हो रहा है। और अभी मैं आपको दिसंबर 2019 एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये रहा 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और ये देखिए यहाँ पे आंसर नंबर 4 एक्शन रिसर्च, ये देखिए दोस्तों कितना रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। और उसके बाद में एक और ये देखिए, ये मैं दिखा रहा था आपको ये क्वेश्चन, ये देखिए 3 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पे इन्होंने क्रियात्मक शोध के बारे में पूछ लिया। क्रियात्मक शोध को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन किस तरह से बार 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 रिपीट हो रहा है। और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट होने बंद हो गए हैं, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो वो सभी के सभी दोस्त आंख खोल के देख ले, ये दिसंबर 2019 का पेपर है। ये देखिए 3 दिसंबर 2019 का पेपर है, एक्शन रिसर्च यहाँ पे ये आया है, और 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में एक्शन रिसर्च यहाँ पे आया है। और यही क्वेश्चन ये देखिए जून 2012 के अंदर यहाँ पे ये आया है एक्शन रिसर्च। तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये हमारी पीडीएफ चाहिए, हमने जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग है, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अलग है, इस तरीके से सभी टॉपिक के क्वेश्चन हमने अलग कर रखे हैं। अगर किसी दोस्त को ये पीडीएफ चाहिए, पूरे स्टडी नोट्स चाहिए, पूरी तैयारी करनी है जून 2020 एग्ज़ाम की, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक्शन रिसर्च क्या होता है और इसके अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है कि जहाँ पे तात्कालिक रूप से, यानी तात्कालिक का मतलब है कि जल्दी से कोई अनुसंधान की जाए, रिसर्च की जाए, उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च कहते हैं। इमीडिएट एप्लीकेशन को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी जो इसके अंदर चीज़ आती है दोस्तों, वो आता है इसका स्टेप आते हैं। स्टेप हमें रखना, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसके अंदर हमें इसकी सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वेंस से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, अभी मैंने आपको दिखाया है दिसंबर 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो ये देखिए इसकी स्टेप, ये देखिए प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये इसकी स्टेप है, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि इमीडिएट एप्लीकेशन याद रखना ज़रूरी है। ये दो चीज़ इसमें से एक्शन रिसर्च में से बार बार पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है, उसके बाद में दोस्तों हमारे पास इथेनोग्राफिक रिसर्च। अब ये देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन रिपीट होते, कितने कितने, मैं हैरान हूँ दोस्तों। और आप लोग यही गलती करते हैं कि आप एनालिसिस नहीं करते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे और कितनी बार रिपीट होता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, वो देखना आप कितनी बार रिपीट हुआ है, आप उसे देख के हैरान रह जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और अभी जो ये अपना सिलेबस थोड़ा अपडेट हुआ है उसके अनुसार हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर के अंदर आप देख सकते हैं नृजातीय शोध। नृजातीय शोध को हम इंग्लिश के अंदर इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से, पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। यहाँ पे हमने रेड में देख लिया कि एक बार ये रिपीट हुआ है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने फिर इथेनोग्राफिक रिसर्च के बारे में यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। दो बार रिपीट हुआ है और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन बताने वाले हैं जो रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा
26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए नरजातीय वर्णन विषयक शोध यानी कि इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया और इसका आंसर सी ही दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये अब आ गया दिसंबर 2019 का पेपर आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए इन्होंने फिर से नरजातीय शोध के बारे में पूछ लिया, इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। और आगे हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन और किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इन्होंने फिर से नरजातीय शोध के बारे में यहाँ पे पूछ लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा, जो भी है आपके सामने है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये 3 दिसंबर 2019 इवनिंग का पेपर है और ये देखिए एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको कि ये तो मॉर्निंग का था, ये मॉर्निंग का पेपर था, मॉर्निंग में भी नरजातीय शोध के बारे में पूछा हुआ है और इवनिंग का जो पेपर है उसमें भी इन्होंने नरजातीय विज्ञान अध्ययन यानी कि जो इथनोग्राफिक रिसर्च है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। यानी कि एक क्वेश्चन किस तरह से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। और आगे भी हम देखते हैं दोस्तों, अगर आगे ये रिपीट हुआ तो ये देखिए ये दोबारा फिर रिपीट हो गया और ये है 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए नरजातीय शोध के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया। और आगे हम देखते हैं शायद अगर आगे भी है तो ये क्वेश्चन। अब ये देखिए 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, नरजातीय शोध, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि यूजीसी वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए, भाई इसे तो हमें छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो बस दे के ही मानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। और दोस्तों हम इसी तरीके से हमारे चैनल पे स्टडी करवाते हैं, हमारी आप ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन और टॉपिक है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें जो इथनोग्राफिक रिसर्च है ये क्या होती है और इसे इसमें हमें क्या ध्यान रखना है ताकि आगे ये क्वेश्चन आए तो हमें किस तरह से इसको राइट करना है। तो यहाँ पे ये नोट्स देख सकते हैं, हमने नोट्स बनाए हुए हैं। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ इवेंट, यानी कि कोई पार्टिसिपेंट है जो हमारी रिसर्च के अंदर भाग लेने वाला व्यक्ति है, उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड कोई हम प्रोसेस करें या फिर एविडेंस कलेक्ट करें, उसके बारे में स्टडी करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई रिसर्च करे तो उसे हम कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यही चीज़ इन्होंने बार बार पूछी है। और इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में हमने और भी अच्छे तरीके से बताया हुआ है पीछे की वीडियोज़ में, तो आप हमारे पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें हमने आप सभी को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च के अंदर कौन सा है जो बार बार रिपीट हुआ है और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च आता है, तो साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कलर मैं देख लेता हूँ, ब्लू कलर के अंदर है ये, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे आते हैं हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें मैं दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 59 आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक शोध यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं और मैं आपको ये देखिए, जैसे हिंदी में इन्होंने आंसर दिया है, एक सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यकरण, सिद्धांतिकरण, ठीक है। और यही क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द सीक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है
और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके काफ़ी चांसेस बनते हैं अब की बार पेपर में आने के। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने फिर से साइंटिफिक रिसर्च के जो स्टेप है वो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, इन्होंने फिर से वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम के बारे में पूछ लिया, उनके जो स्टेप होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और वही है कि मैं कोई हवा हवाई में बात नहीं कर रहा, जो कुछ भी आपके सामने है। तो इसलिए मैं दोस्तों बार बार एक बात कहता हूँ आप सभी के लिए कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ये जो PDF है इसके अंदर हमने इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इस PDF से आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। आगे दोस्तों हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है। दोस्तों ये जो रिसर्च है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्योत्तर शोध भी कहते हैं और पश्चोन्मुखी अनुसंधान भी कहते हैं इसको। ये देखिए, ये रहा हमारा 53, कार्योत्तर शोध का अर्थ है इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है, आंसर ए दिया है, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं और हिंदी में देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घटना के बाद जो शोध की जाते हैं उसे हम कार्योत्तर शोध कहते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा, ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए, ये हमारा नहीं, ये तो वो साइंटिफिक रिसर्च था और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हम देख रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 5 देखिए, यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर 4 दिया है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। ये देखिए, ये हमारा फिर से आ गया, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में पूछ लिया है। तो दोस्तों ये एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, यहाँ पे इन्होंने फिर से इसका जो आंसर है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों जून 2019 में भी रिपीट हुआ है, आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि अब क्वेश्चन है वो रिपीट होना बंद हो गए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों, अब भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये 20 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ से और इसका आंसर 1 है, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख लीजिए दोस्तों। तो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे देखते दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है जो भी दोस्त नेट या JRF क्वालिफाई करना चाहेगा वो ओल्ड पेपर ज़रूर करेगा। अब आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कीजिए ना चाहे तो मत कीजिए। जिसको JRF लेना है, नेट लेना है, वो ओल्ड पेपर कीजिए और तभी आपका नेट और JRF क्वालिफाई हो पाएगा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। आप देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग, अब टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हमारे हैं। आगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हमने रेड कलर किया हुआ है इनमें और ये है हमारा
ये देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोस्तों मुख्य रूप से हमारी जो रिसर्च है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो उसमें से क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। यहाँ पे हमने दोस्तों नोट्स भी बना रखे, बहुत अच्छे स्टडी नोट्स बना रखे, अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो ये नोट्स भी आप ले सकते हैं। ये देखिए रिसर्च सैम्पलिंग यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी, ये आगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी चार मेथड होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, और इसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये सभी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर चाहे तो आप ये नोट्स भी ले सकते हैं हमसे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछ लिया, और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि सैम्पलिंग से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर साठ है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब देखिए पहले इन्होंने ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी पे कौन सा है, और अब इन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिसंबर और जून 19 में भी रिपीट हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछ लिया है, ये देखिए ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये जून 2013 में रिपीट हुआ था, और आगे फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 2013 में रिपीट हुआ है। देखिए इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और आगे फिर आगे ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने फिर से पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे फिर रिपीट हो गया दोस्तों, ये हमारा जून 2014 के अंदर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए दोस्तों आपके सामने है किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कई दोस्त ये कह सकते हैं कि मैं खुद इनको क्वेश्चन को ऐसे डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ओल्ड पेपर डाउनलोड कीजिए और जो जो मैंने ईयर बताई है और जो क्वेश्चन नंबर बताया है वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा सितंबर 2013 के अंदर रिपीट हुआ था, यहाँ पे ये 54 नंबर क्वेश्चन है, और फिर आगे ये जून 2014 में रिपीट हुआ था, और इसका है 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना और उनमें देख लेना अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है तो। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो शायद मैं वीडियो में ना बता सकूं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये पीडीएफ ले लीजिए, और इसमें हमने 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये पीडीएफ आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इन्होंने फिर से यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछ लिया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे फिर ये 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आ गया, और ये पहले कौन सा था, पहले था हमारा 26 जून मॉर्निंग शिफ्ट का, और सॉरी दोस्तों ये इवनिंग आया दोस्तों, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। इसमें देखिए ये नंबर एक स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और हम यही बताते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना। अब ये देखिए दोस्तों तीन दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ये दिसंबर का पेपर है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। ये प्रतिदर्शन चयन विधियाँ यानी कि सैम्पलिंग मेथड जो होता है उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है, और आगे देखिए दोस्तों ये है 6 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा फिर इन्होंने सैम्पलिंग से क्वेश्चन दे दिया, तो आप बिल्कुल आसानी से और विद प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन हैं 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक रिपीट हो रहे हैं। और काफ़ी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर कहते हैं कि सर अब रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, पहले होते थे, तो वो सभी दोस्त आंख खोल के देख ले, ध्यान से देख ले इस वीडियो को कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो रिपीट हुए और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों हमारे पास रिसर्च इथिक्स। अब देखिए रिसर्च इथिक्स में से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और रिसर्च इथिक्स करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो कलर दिया है हमने ग्रीन दिया है, तो वो देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन 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 ग्रीन, हाँ ये आ गया ये आ गया, ये रहा। ये देखिए जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं रिसर्च इथिक्स से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड, ठीक है यहाँ पे इन्होंने दे दिया। और आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन दिसंबर 2012 के अंदर आया है, गुड रिसर्च इथिक्स इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। और आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए ये हमारा आगे आ गया जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च इथिक्स, ठीक है आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और जो टॉपिक है हमारे लिए रिसर्च इथिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये जितने भी टॉपिक और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। आप हमारे रिसर्च की वीडियोस देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है रिसर्च की उसमें आप जाके देखना, सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और आगे देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन हमारा जून 2016 के अंदर रिपीट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए रिसर्च इथिक्स के बारे में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो रिसर्च इथिक्स करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी उसके बाद में ये देखिए दोस्तों ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च इथिक्स इन्होंने फिर से पूछ लिया। और आगे हम देखते दोस्तों आगे यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसर्च इथिक्स के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया। और आगे हम देखते हैं दोस्तों जून और दिसंबर में किस तरह से रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन हमारा। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे पेपर सेकंड में भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, आपका चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो सभी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो हमें ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा है 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों ये रहा हमारा शोध नैतिकता, यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन किस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है जून 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको ओल्ड पेपर पीडीएफ चाहिए 2012 से लेके 2019 तक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर हमने पेपर सेकंड के जितने भी पेपर हैं वो विद आंसर की हिंदी इंग्लिश में दिए हुए हैं। और सबसे खास बात दोस्तों उस ऐप में ये है कि उस ऐप में आपको दिसंबर 2018, जून 2019 और दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर उस ऐप को इंस्टॉल करना, और भी काफ़ी चीज़ें उस ऐप में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। आगे दोस्तों हमारा स्टेप ऑफ सिंपल रिसर्च। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए दोस्तों। अब आप खुद देखना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। हाँ अब ये देखिए ये हमारा ब्लैक में है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। जो सिंपल रिसर्च जो होती है दोस्तों उसके स्टेप इन्होंने यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे ये आंसर नंबर बी है, आंसर नंबर बी यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह है 1, 2, 4, 3। एक सबसे पहले शोध समस्या का निर्माण और फिर दो शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगी, हमारी शोध समस्या आएगी और इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। हमने सभी स्टेप बताए हुए हैं दोस्तों रिसर्च के अंदर, 7-8 तरह के अलग अलग टाइप के स्टेप होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने देखा ना एक्शन रिसर्च के अलग होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अलग होते हैं, और जो
ऐतिहासिक रिसर्च होती है उसके स्टेप अलग होते हैं, तो सभी के स्टेप कुछ कुछ अलग होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें। अब ये देखिए, ये रहा दोस्तों हमारा, ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखिए रिसर्च प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ रिसर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल स्टेप के रिसर्च क्या क्या है, इंग्लिश हिंदी में हमने यहाँ पे दिए हुए, उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च, फिर एक्शन रिसर्च, फिर शोध निबंध के जो तत्व होते हैं, और फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप क्या है, और फिर रिसर्च प्रपोजल है उसके स्टेप क्या है, ठीक है। तो ये सभी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक। दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन सिंपल रिसर्च से किस तरह से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है हमारा, और इसी के अंदर आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा। हाँ ये देखिए ये आ गया हमारा, ये देखिए सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप, यहाँ पे इन्होंने फिर से रिसर्च स्टेप पूछ लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और सिंपल रिसर्च के बारे में तो दोस्तों हमें पता होना ही होना चाहिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आ सकता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीएचडी थीसिस के स्टेप यहाँ पे इन्होंने पूछ लिए। और मैं बता रहा था ना दोस्तों कि काफ़ी तरह के स्टेप होते, काफ़ी टाइप के स्टेप होते, तो वो सभी हमें पता होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, और ये रहा जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने यहाँ पे ये देखे अनुसंधान चरणों का तार्किक क्रम यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको ओल्ड पेपर क्वेश्चन की अहमियत का पता चल गया होगा। और जो भी दोस्त नेट और जेआरएफ करना चाहेगा तो वो ज़रूर ज़रूर ओल्ड पेपर करेगा, ये मेरा विश्वास है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा। अब आ गया हमारा ये दिसंबर 2019 का पेपर आ गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा 3 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोध प्रक्रिया के तार्किक क्रम को बताना है, ठीक है। रिसर्च का, रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो यहाँ पर हमें बताने हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें से किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये दोबारा फिर रिपीट हो गया, 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 शोध के सोपान यहाँ पे इन्होंने पूछ लिए, और इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, समस्या आ गया ना कि सबसे पहले जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल रिसर्च में क्या क्या स्टेप होते हैं। और एक बार फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी डिटेल से इनके बारे में जानना है, जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, टॉपिक करवाए, तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देखिए रिसर्च की, और या फिर हमने एक वीडियो डाली हुई है रिसर्च के ऊपर, 2 घंटे की वीडियो, उसके अंदर हमने पूरे सभी के सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं। तो आप चाहे तो 2 घंटे की वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चन बता सकूँ जो रिसर्च के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों जो रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रिपीट भी हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और उस पेड ग्रुप में हम आपको क्या दे रहे हैं, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी पेपर दे रहे हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, विद आंसर की हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं। और उन पेपर में सबसे खास बात यह है दोस्तों, पेपर फर्स्ट के जितने भी यूनिट हैं उनके क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च के क्यों हैं, टीचिंग के क्यों हैं, कम्युनिकेशन के, सभी यूनिट के हमने अलग अलग किए हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको स्टडी नोट्स भी देते हैं, ये देखिए ये आप देख सकते हैं रिसर्च का पूरा
स्टडी नोट्स हमने यहाँ पे बनाया हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मिक्स लैंग्वेज की हुई है, ये नहीं है कि 100% हमने हिंदी में बनाया हुआ है, नहीं, हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो नोट्स है स्पेशल हिंदी स्टूडेंट के लिए है, ये क्या कि 80% जो लैंग्वेज है इसके अंदर हिंदी में हमने दी हुई है। तो आप यहाँ से ये नोट्स देख के, हमारी वीडियो देख के, हमारे ओल्ड पेपर देख के बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। एनटीए यूजीसीनेट यानी निमिजनेट ऐप, ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।